विज्ञान के इस बदलते युग में भले ही इंसान चांद पर पहुंचने की ख्वाहिश रख रहा हो, लेकिन आज भी किताबें मानव को उसके मूल्य एवं उसको इंसान बनाने का काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर बट रहे ज्ञान को अगर देखा जाए तो वह ज्ञान किताबी ज्ञान से बिल्कुल अलग नजर आता है। अगर हकीकत की दुनिया को हमें पहचानना है तो हमें एक बार फिर किताबों की तरफ लौटना होगा। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पुस्तक के ज्ञान की ओर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि पुस्तकों में प्रमाण के साथ हम अपने तथ्यों पर बात कर सकते हैं। मुरादाबाद के सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर के स्थानीय निवासी एडवोकेट तारा सिंह अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें वे खुद भी स्टडी करते हैं और अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं गांव के बच्चों को इस किताबी ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हकीकत की दुनिया को वह पहचान सकें। एडवोकेट तारा सिंह कहते हैं कि अगर हमें अच्छाई की तरफ जाना है, इंसानियत की तरफ जाना है, तो हमें एक बार फिर किताबों की तरफ लौटना होगा। किताबों में सब कुछ है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, इसलिए पुस्तकों का होना बहुत जरूरी है। उनके द्वारा अपने गांव में लाइब्रेरी की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी रीना कहती हैं कि इस छोटे से पुस्तकालय के द्वारा वे अपनी स्टडी कर रही हैं और सी टेट के साथ साथ अन्य परीक्षा भी इनके द्वारा दी गई हैं और अन्य परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। इन किताबों में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रीना कहती हैं कि ये किताबें हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती हैं और आज हमें इन किताबों से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल रही है। ये यूपी टेट की तैयारी कर रही हैं। किताबें भी हैं आपके पास, मोबाइल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो सपना क्या है आपका? सपना एक है कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। कितने समय से मेहनत कर रहे हो आप? मैं शुरू से ही मेहनत कर रही हूँ, 2-3 साल। अभी तक कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो आपने पास की हैं? एक SSC पास नहीं की, लेकिन लाइन तक पहुँच चुकी हूँ। SSC तक? हाँ, यूपी टेट की टीचर। मतलब मैन उद्देश्य जो है टीचर ही बनना चाहती हूँ मैं, मतलब दूसरों के लिए, दूसरों में एक ज्ञान अर्जन करना चाहती हूँ, जिस प्रकार की वो भी एक अच्छे पढ़ लिख के, मतलब अच्छे व्यवहार, नेचर, उनमें सभी प्रकार की सामाजिकता और गुण आयोजित। जिसे आपने घर में तमाम किताबें रख रखी हैं, मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो मतलब बुक्स नहीं ले सकते, वो भी इन बुक्सों को के द्वारा पढ़ लें। बच्चे आते हैं आपके यहाँ, सवाल पूछते होंगे आके? हाँ। तो आपका बिहेवियर किस टाइप का रहता है उन बच्चों के साथ पढ़ने के लेकर के, क्या कहते हो आप उनसे? बेटा या बच्चे अच्छे, मतलब अच्छे से एक जैसा भाई दोस्त के रूप में होता है, या भाई के, बहन के। और आगे क्या करने का है आपका? और आगे मैं एक अच्छी सी अध्यापक बनना चाहती हूँ, जिससे कि छोटे छोटे और बड़े बच्चों में सभी बच्चों में ज्ञान अर्जन। अच्छा, आप एक हाउस वाइफ भी हो, किस तरह का ससुराल में पहुंची हो, तो पढ़ाई को लेकर के किस तरह कोई प्रॉब्लम तो सामने नहीं आती है? नहीं, मेरी ससुराल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही घर पे थी, ना ही यहाँ पर, जो कि वो भी तैयारी के लिए अग्रसर है। मतलब एक प्रकार की ज्योति सी उज्ज्वल करते हैं, मतलब बनने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे और दूसरे भी समाज आदि में शिक्षा की रोशनी उत्पन्न। जो बच्चे UPSC की, ICIC की वो तैयारियां जो करते हैं, या PCSJ है, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हो? कितना समय पढ़ाई को दें? लगभग अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने उद्देश्य को। आप कितना समय देते हो घर में अपनी पढ़ाई को? जितना समय खाली बचता है, मतलब काम से, वो सारा समय पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हो आप इस मंच से, अपनी लाइब्रेरी के मंच से? जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हो आप? उनको कि वे अच्छे से पढ़ें, और क्या कहें, अपने माँ बाप जो हैं, उनके माता पिता गरीबी में भी अच्छे से अच्छी उनके लिए हम साथ पढ़ाई में, हाँ, जो अपने अपना ना सोच के अपने बच्चों का जो सोच रहे हैं, तो वो अपने माता पिता के उद्देश्य को कभी भी निसफल ना होने दें।